जा रहे हैं उस पादरी के पास जो हिंदुओं के विरोध में षड्यंत्र रच रहा था, दारू के कारण अपराध होना और दारू से मौत होना, ये तीनों चीज बिहार झेल रहा है। वो जिन्ना के सोच का बीज डाल रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो जिन्ना के सोच। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करके कांग्रेस क्या मुश्किल में आ गई है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के फायरब्रांड नेता भी हैं। कई बार इस तरीके की बातें आई हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, अब शब्दों का इस्तेमाल तो हुआ है, इस बार रावण से तुलना की गई है, खड़गे साहब जो है कांग्रेस के, उन्होंने की है क्या? देखिए, कांग्रेस और केजरीवाल या जो दल वहां लड़ रहे हैं सभी मोदी को गाली दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि मैं रोज 2-3 किलो गाली ले रहा हूं। सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था, गुजरात की जनता ने हिसाब चुकता कर दिया सोनिया जी का। केजरीवाल ने कंस कहा गुजरात के लोगों को और मोदी को। अभी खड़गे जी ने रावण कहा। अब आने वाले 5 तारीख के चुनाव में देख लेंगे कि गुजरात की जनता मोदी जी के इस गाली का अपमान का बदला लेगा। 2/3 मेजोरिटी से गुजरात में बीजेपी जीत रही है। क्या लगता है, एक तरीके से सेल्फ गोल है क्या कांग्रेस का इस तरीके का बयान देना? देखिए, हमारे गांव की कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज कांग्रेस अपने वजूद को बचा नहीं पा रही है तो गाली मोदी को दे रही है। उधर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो अभियान में मिल किससे रहे हैं, वो मिल रहे हैं भारत तोड़ो लोगों से, टुकड़े टुकड़े गैंग से। ये एक तरह से लोगों के अंदर खिसियाहट है अपनी नाकामयाबी के कारण, मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी पर बरस रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, आपने देखा वो त्रिपुंड भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं भारत जोड़ो, और जा रहे हैं उस पादरी के पास जो हिंदुओं के विरोध में षड्यंत्र रच रहा था, उस पादरी के पास जा रहे हैं, उसके पास जो भारत तोड़ो अभियान में जुड़ा हुआ है। तो ये भारत तोड़ो अभियान है, टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ो यात्रा है, न कि भारत जोड़ तो है लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ो भारत से, ये राहुल गांधी का अभियान है। और राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव क्षेत्र को जोड़ करके सेकुलर केरल में गए, तो ये आज भारत पर भरोसा नहीं है, भारत के लोगों को गाली दे रहे हैं, यानी मोदी को गाली दे रहे हैं, चाइना की तारीफ कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस क्या कर रहा है। लेकिन बीजेपी के भी तो कई नेता हैं जो राहुल गांधी के वेशभूषा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, बोलते हैं सद्दाम हुसैन जैसे लगते हैं, आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, जिन्होंने वेशभूषा पर सवाल खड़ा किया है उनको नस नस तक जानते हैं, उनके साथ बरसों तक काम करने का उनको मौका मिला है। और सचमुच में हेमंत विश्व शर्मा जी की बात आप कर रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी, मोदी ने एक राजनीति में नई परिस्थिति उत्पन्न की है, जो सेकुलर वोट कल तक मंदिरों में नहीं जाते थे, हिंदुओं का नाम नहीं लेते थे, आज राहुल त्रिपुंड लगा रहे हैं, प्रियंका भी त्रिपुंड लगा रही हैं, केजरीवाल कृष्ण का अवतार बन रहे हैं। तो मोदी जी ने एक ऐसी राजनीति की भी बिछा दी है कि अब हिंदुत्व और बहुसंख्यक को कोई नकार नहीं सकता। आज राहुल गांधी उसी जाल में
त्रिपुंड भी लगा रहे हैं जो राहुल गांधी, मैं हल्की बात बोल रहा हूं नहीं, अपने दादाजी के मजार पर जाने में डर लगता, नहीं गया आज तक, वो त्रिपुंड लगा रहे हैं। मुझे तो खुशी हो रही है कि उनके इस खानदान से लेके ननिहाल तक सभी त्रिपुंड लगाएं, तो मुझे और खुशी हो। अच्छा, ये आफ्ताब के मामले में बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है मामला, आपको लगता है क्या ये कोई लव जिहाद से जुड़ा मामला है? बहुत बार आपने बताया। देखिए, देश के अंदर भारत में ये गजवाए हिंद की सोच वाले लोग, ओवैसी जैसे मानसिकता जो जिन्ना के रास्ते पर चलते हैं, ये चौतरफा हमला भारत पर कर रहे हैं बहुसंख्यकों पर, कि गजवाए हिंद यहां स्थापित हो। वो लव जिहाद भी कर रहे हैं, कभी अन्य जिहाद छेड़ते हैं। ये चौतरफा भारत पर हमला बोल रहे हैं। और आफताब का मामला, एक श्रद्धा की हत्या शहीद नहीं हुई है, लाखों करोड़ों श्रद्धा है। सुनियोजित लगता है आपको आफताब वाला मामला? आफताब में एक चीज देखे है, आफताब का आया था कि वो कई लड़कियों से संबंध बनाया है, एक भी लड़की उसमें मुस्लिम लड़की नहीं थी। आखिर क्या है, अगर वो ये बीमारी है उसको, तो क्या हिंदुओं के लड़कियों की को फंसाना, फिर उसको धर्म परिवर्तन करना? ये एक आफताब नहीं, ये देश में लाखों आफताब ये काम कर रहे हैं और लाखों श्रद्धा की शहादत हो रही है। सुनियोजित साजिश आपको लगता है? बिल्कुल सही, देश के अंदर एक सुनियोजित साजिश। आप देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग, किसी की जुबान खुली, केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, इस श्रद्धा पर कोई जुबान नहीं खुला। कांग्रेस, राहुल गांधी एंड पूरी टीम, ये कुछ नहीं बोला आफताब पर। ये जो जिन्ना का जिन है ओवैसी, इसने भी कुछ नहीं बोला। ये तब बोलेंगे जब बालाकोट का होगा अटैक, उस पर इनकी घड़ियालू आंसू बहेगा, सोनिया गांधी से लेके दिग्विजय सिंह तक। ये देश के लिए बड़े ही शर्मसार करने वाला है कि भारत को ही कमजोर करने की ताकत आज अपने को सेकुलर कह रहा है। केजरीवाल एमसीडी चुनाव में काफी मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है? गुजरात में भी कर रहे हैं। देखिए, गुजरात में तो दो अंक मिल नहीं पाएगा और एमसीडी में उनके सपने चकनाचूर होंगे। सिंगल डिजिट गुजरात में आप कह रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे? सिंगल डिजिट से ज्यादा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां जाते तो टोपी लगा के भाईजान, पहले कहा कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, सीता काल्पनिक है, पीछे का आप ही के मीडिया जगत के लोगों ने दिखाया। वो अपने नानी का उदाहरण देते थे कि मेरी नानी कही कि हमने कहा नानी अयोध्या जाओगी, राम का कहा ना बेटा ना बेटा, जो मस्जिद को तोड़ के करता हो। आज वही केजरीवाल गुजरात जा कर के गुजरातियों को कह रहे हैं कि मैं आपको अयोध्या घुमाऊंगा, चारों धाम घुमाऊंगा। ये क्या दर्शाता है? राजनीति में काट की हांडी बहुत दिन तक नहीं चलता। चलिए, तो बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं आखिरी सवाल? गुजरात में 2/3 जो आज तक नहीं हुआ है वो इस बार होगा। और नीतीश से मुक्ति पाने का अभियान चल रहा है और यहाँ की जनता खुद लड़ रही है और वोट जनता के पास होती है। जनता ने निर्णय ले लिया है, मैं नहीं कह रहा हूं,
आप सर्वे करके देख लें, नीतीश कुमार लाख गया नालंदा में गंगा जल 5,000 करोड़ लगा करके लोगों को ले जाए पिलावे, लेकिन जो प्रायश्चित उन्होंने किया है बिहार में वो प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। जिसका विरोध हम लोग शुरू से करते रहे, घर घर दारू पहुंचाना, दारू के कारण अपराध होना और दारू से मौत होना, ये तीनों चीज बिहार झेल रहा है। और नीतीश कुमार मस्त हो गए हैं। ये मुजफ्फरपुर की धरती ये जॉर्ज साहब को कभी नहीं भूलता, जॉर्ज का श्राप भी नीतीश के साथ लगा हुआ। तेजस्वी कह रहे थे कि वैसे आपकी बी टीम है, आप इसलिए वहां पे लड़ते हैं जहां पे बीजेपी को फायदा पहुंच पाए। तेजस्वी किसी का बी टीम नहीं हो सकता। तेजस्वी ओबेसी, तेजस्वी जो कह रहे हैं कि बी टीम है ओबेसी, मैं कह रहा हूं ये केवल जिन्ना का बी टीम है। उनको पता हो गया होगा कि अगर वो 5 सीट लिया पूर्वांचल में, वो जिसे सीमांचल कहते हैं मैं पूर्वांचल कहता हूं, सीमांचल में वो किसका वोट लिया, वो एक खास वर्ग का वोट लिया, और पूरे देश में वो जिन्ना के सोच का बीज डाल रहा है। वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो जिन्ना के सोच का भारत में नफरत के सोच का, हिंदू और मुसलमान में खाई के सोच का वो बीज डाल रहा है देश के हर राज्य में। आज कुढ़नी में भी वो डाला है और डालने का काम कर। तेजस्वी क्यों बोलते कि आपके साथी हैं? तेजस्वी क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार ही बोलते हैं। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं वो जाने, और वो माए बाप का समीकरण कर रहे हैं तो वो उनको नकार दिया है। यहाँ कुढ़नी में कुढ़नी की जनता ने खुद को फैसला लिया है और इस बार सबको सबक सिखाएगी कुढ़नी की जनता। नीतीश कुमार हड़ाओ अभियान चला रहा है। तो गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री, जो कांग्रेस के नेता खड़गे ने रावण से तुलना की है उसको लेकर काफ़ी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि इसका जवाब गुजरात की जनता 5 दिसंबर को देगी, जब वोटिंग होगा 1 तारीख और 5 तारीख को और नतीजे 12 तारीख को आएंगे। तो उनका कहना है कि जो जनता ने क्या जवाब दिया है ये लोगों को पता चल जाएगा।